फ्रेंड्स, आज हम पेस्टल ऑयल पेस्टल कलर के साथ पेंटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया है और मैं यहाँ पर एक हट और एक ट्री बना रही हूँ। मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो उस तरह का इमेज बनाइएगा, उस तरह की पेंटिंग आप बनाइए। तो मैंने पहले हट में नीचे की साइड में ब्लू कलर कर दिया है, अब मैं ऊपर ऑरेंज कलर लगा रही हूँ। मैंने डोर में थोड़ा डार्क ब्राउन कलर लगाया है। और नीचे मैं येलो ओकर कलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि नीचे ज़मीन है, ज़मीन वाला पार्ट है, तो उसमें येलो ओकर कलर लगा रही हूँ मैं। येलो ओकर का कलर मिट्टी के शेड जैसा ही होता है। अब मैं नीचे थोड़ा सा ब्राउन कलर भी अप्लाई कर रही हूँ, नीचे डार्कर टोन के लिए हमारे पेंटिंग में डेप्थ अच्छे से आएगा। अब मैं ब्राउन कलर से ट्री बना रही हूँ हट के ऊपर। साइड से हट के ऊपर जाती हुई ब्रांचेस शॉर्ट ऑयल पेस्टल के साथ आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मैंने पेपर कटर लिया है, पेपर कटर से मैं ग्रीन कलर ऑयल पेस्टल कलर को बारीक बारीक कट करके यहाँ पर लगा रही हूँ। उसके लिए मैंने 3 शेड्स लिए हैं, लाइट ग्रीन और अब ये डार्क ग्रीन कलर मैंने लगाया है, और उसके बाद मैं लेमन येलो कलर लगाऊंगी। ये येलो कलर भी मैंने यहाँ पर कट करके लगा दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लूँगी अपने टूल से, ये आर्टिस्ट का टूल होता है, नाइफ होता है ये, एक तरह का इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर नाइफ नहीं है तो आप ऐसे भी किसी भी चीज़ से उसे क्रश कर सकते हैं। अब मैं क्या करते पैलेट नाइफ से लेके इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ कि जिससे ये पेपर पे अच्छे से चिपक जाए। ये अच्छे से मैंने इसको क्या करते मैश कर रही हूँ, ध्यान से कीजिएगा। इसी तरह से आप पूरी जो पेंट है, ऑयल पेंट है, उसको क्रश करके लगा दीजिए। इससे पेंटिंग में 3D इफ़ेक्ट आएगा। जब पेंटिंग बन के कम्प्लीट हो जाएगी तो उसमें 3D इफ़ेक्ट आएगा। ये इस तरह से आप प्रेस करते जाइए। यस, इसी तरह से प्रेस करके आप इसको अच्छे से पेपर पे ये चिपक जाएगा, फिर छूटेगा नहीं। ये न्यू आइडिया है पेंटिंग करने का सॉफ्ट पेस्टल के साथ। पहले हम यूजली पेस्टल को घिस घिस के पेपर पर लगाते थे फिर पेंटिंग करते थे, लेकिन ये न्यू आइडिया मैंने क्रिएट किया है। पहले सॉफ्ट पेस्टल के साथ भी मैंने ये आइडिया अपनाया था, उसमें भी मेरी पेंटिंग अच्छी बनी थी, और अब ये मैंने ऑयल पेस्टल के साथ ट्राई किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। होपफुली आपको भी पसंद आएगा। मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर
मेरे नाइफ में लगा था वो ही मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। पेड़ के आसपास नीचे ग्रीन कलर और थोड़ी सी ग्रास वाला इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने थोड़ा दूर में दूर का शेड दिखाने के लिए थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर हट के साइड में ऐसे रब कर रही हूँ। हमें फार अवे सीन दिखाना है तो हमें बस थोड़ा सा हल्का सा कलर चाहिए। और अब मैं इसे ईयरबड से स्मर्ज कर रही हूँ। अब मैं ईयरबड से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर, थोड़ा सा डार्कर टोन के लिए मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे भी स्प्रेड कर दे रही हूँ। ईयरबड में हमारा ज़्यादा कलर नहीं आएगा तो हमें थोड़ा थोड़ा घिस के ईयरबड से लगाना है, उससे एक स्मूथ इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं हल्का सा, बहुत हल्का सा ग्रीन कलर यहाँ भी लगा रही हूँ। और अब मैं इसको अपने पैलेट नाइफ से प्रेस कर दूंगी अच्छे से, जैसे कि मुझे थोड़ा सा ग्रास वाला इफेक्ट चाहिए यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा कलर नहीं डालना है, बस हल्का सा, हमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन कलर कहीं कहीं पे टच करना है बस। अब मैं हट को थोड़ा और क्या कहते हैं ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने पेपर कटर से काट के ऑरेंज कलर यहाँ पे स्प्रेड किया है। मैं उसे सेट कर देती हूँ और अब मैं अपने पैलेट नाइफ से इसको प्रेस करके ट्री में जैसे हमने प्रेस किया था इसमें भी प्रेस करेंगे। थोड़ा सी मेहनत लगेगी लेकिन ये ब्यूटीफुली बन जाएगा। अब मेरा जो ब्राउन कलर इस ऑरेंज कलर इसमें लगा था वो भी मैं ईयरबड पे लेके यहाँ पे स्प्रेड कर दे रही हूँ। इसे हमें थोड़ा ज़मीन में जो फोरग्राउंड है उसमें अच्छा सा आ जाएगा लुक। अभी मैंने वाइट कलर का पेस्ट बना के ये भी मैं क्या थोड़ा हाईलाइट करने के लिए अपने हट को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको पेपर कटर से वाइट कलर कट कर लेना है और उसको अच्छे से प्रेस करके एक उसका थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाएगा वो बनाना है। कंप्लीट।